कि जो बच्चा है वो किसी भी माँ बाप परिवार का सबसे प्यारा होता है। और कई बार अभिभावक क्या है, पहले तो बड़े बच्चे हों, बड़े बच्चों भी कोई रिस्क लेने, अभी आपने देखा कि जेईई और नीट की परीक्षा हमने दो दो महीने पीछे भी की, लेकिन उसके बाद भी छात्र कह रहा है हम कैसे करके करें, और सब की है ये परिस्थितियां हैं। हमारे लिए बच्चे की सुरक्षा पहले है और उसके बाद शिक्षा दूसरा है। हम स्कूलों को किस चरणबद्ध तरीके से खोलेंगे, अब इस पे हम लगातार व्यापक विचार विमर्श भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने बच्चे को बिल्कुल छोड़ा नहीं, कभी हम उसको मनोदर्पण के लिए करते हैं, कभी आप कोई अभियान दे देते हैं, बच्चे को और उसके अभिभावक को, अध्यापक और अभिभावक ने दोनों ने मिल करके इन 33 करोड़ छात्र छात्राओं को बचाया है, रोका है, अन्यथा क्या स्थिति होती आप कल्पना कर सकते हैं। और हम लगातार इसको बातचीत कर रहे हैं, हम हमने परीक्षाओं को किस तरीके से आयोजित किया, फिर किस तरीके से उनको आगे लाए हैं। अभी हम गृह मंत्रालय के साथ और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ लगातार परामर्श कर रहे हैं, जब जब जिस जिस राज्य में कैसी स्थिति आती है फिर राज्यों के साथ परामर्श करके वो क्या चाहते हैं और वो अभिभावकों के साथ, इसलिए मैं सभी राज्यों के माननीय शिक्षा मंत्रियों के साथ मेरा लगातार संवाद होता है। और वो मैं कोशिश करता हूँ, आपने पीछे के दिनों में देखा होगा कि मैं सीधे 33 करोड़ अभिभावकों के साथ भी संवाद करता हूँ, तो मैं 1 करोड़ अध्यापकों के साथ भी संवाद करता हूँ, तो मैं अपने छात्रों के साथ भी संवाद करता हूँ। तो जब जब जैसे जैसे परिस्थिति आएगी उसी ढंग से हम देखेंगे और देख करके हम गृह मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय का दोनों का परामर्श करके हम उन राज्यों के साथ ये आशा करेंगे कि पहले बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और उसके बाद वो स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलें। और इसके लिए थोड़ा सा भी और प्रतीक्षा रुकवानी जी हमको करनी पड़ेगी।